कैसे हैं आप सभी। अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो के टाइटल से आपने देखा होगा कि बिग बिलियन डेज। तो बिग बिलियन डेज पर इतने सारे ऑफर्स होते हैं कि बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है कि कौन सा ऑफर लेना चाहिए एंड कौन सा लेजिट ऑफर्स, लेजिट यानी कि जेन्युइन ऑफर्स कौन सा है इसमें पिक करने के लिए। तो इसका पहले प्राइसिंग कितना था, अभी कितना प्राइसिंग दे रहे हैं, या फिर सचमुच में उतना प्राइस में आपको एक्चुअली में प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं, वो सब देखना है। एंड मैंने आपके लिए रिसर्च करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी रखे हैं, उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। जी हाँ, तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑफर्स बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, प्रोडक्ट्स लेना ही नहीं। वैसा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, कोई भी कंपनी से मुझे ऐसे कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट मैं जो एज ए कंज्यूमर एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले डील आपको अवॉइड करना है सैमसंग गैलेक्सी का S8। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या S8 डील को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि S8 जो मोबाइल पहले 45-50,000 रुपीज़ में था, अभी वो बिल्कुल 30,000 रुपीज़ में दे रहे हैं, विच इज़ रियली ऑसम। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कोई भी सैमसंग के मोबाइल्स हो मोर देन 1 ईयर का ओल्ड रहता है अगर, तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, बाई नहीं करना है उसको। बताता हूँ क्यों। देखिए, सैमसंग एक ऐसा कंपनी है जो सुपर फोन्स लॉन्च करते हैं, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम यह है कि जब चाहिए तब वो क्या करते हैं, मार्केट में जो भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, ऑब्वियसली उनको मार्केटिंग चाहिए ना। तो अगर मैं एक मोबाइल लिया तो मैं आराम से 2-3 ईयर्स यूज़ करूँ, तो उनका और एक मोबाइल कब लेना चाहिए मुझे, है कि नहीं। तो इसके वजह से क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी मोबाइल वो खरीदी करवाने के लिए कंज्यूमर से, उसमें बग्स एंड जो वायरस, हम यूजुअली हमारे टर्म में वायरस जनरल लोगों के लिए वायरस रहता है, लेकिन उसमें कुछ बग्स ऐसे छोड़ देते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में, उससे आपका फ़ोन बिल्कुल स्लो हो जाता है। एंड इसके वजह से आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर वो मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। मे बी विद इन 1 मंथ हो सकता है, विद इन 2-3 मंथ्स हो सकता है, बिल्कुल आपको 6 महीने तक यूज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं होगा वो ऐसा मोबाइल। तो इसलिए सबसे पहला डील अवॉइड करना है सैमसंग का गैलेक्सी S8। हाँ, पता है मुझे सबसे बढ़िया फीचर्स है, ऑसम मोबाइल, जो भी फीचर्स रिलेटेड है जैसे कि मैंने बताया वो सब बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम नहीं रहता है। जब आप यूज़ करेंगे मोबाइल, उनका यूज़र इंटरफेस होता है, अपडेट करेंगे सॉफ्टवेयर को, तब उसमें प्रॉब्लम आने लगता है। आप ज़रूर अगर चाहिए तो एक बार लेकर देखिए, आपको पता चलेगा। तो ऐसे कोई भी सैमसंग के रिलेटेड मोबाइल फ़ोन्स को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, सबसे पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट यह है कि जो भी पुराने ओप्पो मोबाइल्स हैं, देखिए ओप्पो एक सबसे कॉम्पिटिटर, बेस्ट कॉम्पिटिटर है वन ऑफ दी इन द मार्केट। तो नए नए मॉडल्स रिलीज़ करते जाते हैं। अगर आप अभी खरीदी करने के लिए देख रहे हैं तो ओप्पो का ब्रांड का, तो कोई भी आप मोबाइल अभी का जो नया है वो ले सकते हैं आप। अराउंड 1-2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे तो मिल जाएगा। किससे एक्स्ट्रा स्पेंड करना है आपको, जो पुराने अभी ओप्पो A71 जैसे कि फॉर एग्जांपल 7,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, तो वैसे मोबाइल आप ऑलरेडी 6 मंथ्स हो चुका है वो छोड़ दीजिए। अगर आप एक 1-2,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करेंगे, या फिर अदर ढेर सारे ऐसे मोबाइल्स हैं आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो सेकेंड डील अवॉइड करना है ओप्पो A71, जो कि आपको सिर्फ 7,000 रुपीज़ में मिल रहा है, उसको अवॉइड कर दीजिए। एंड थर्ड वन, अलग कैटेगरी, वॉशिंग मशीन। जी हाँ, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अभी मार्क्यू का है फ्लिपकार्ट से, वो आप ले सकते हैं विद इन 10,000 रुपीज़ में, वो कुछ करके HDFC कार्ड का ये वो कट करके अराउंड 10,000 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। वो अक्टूबर 9th यानी कि आज के दिन रात 9 बजे से स्टार्ट होता है फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए, वो वाला आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अवॉइड इसको करना है IFB का 8 kg का जो सेनेटर एक्वा SX है, फेमस मॉडल, उसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आपको अराउंड MRP 33,000 रुपीज़ है। तो अगर आप बाहर ले रहे हैं तो बिल्कुल 30-31,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, लेकिन फ्लिपकार्ट पर ये बोल रहे हैं कि अभी बिग बिलियन डेज है, इसलिए आपको अराउंड 31,500 में मिल रहा है, जो कि उसका MRP जो है 33,000 है, तो 1,500 रुपीज़ रिडक्शन में मिल रहा है। तो ऐसे डील्स को आप ध्यान में रख के थोड़ा अवेयर होके अवॉइड करना है, आराम से वेट कीजिए आप। और आपको फ्लिपकार्ट पर ही लेना है, फ्लिपकार्ट पर ही आपको इससे कम दाम में मिलेगा अगर आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको थर्ड डील अवॉइड करना है IFB का 8 kg वॉशिंग मशीन अगर आप देख रहे हैं तो। वैसे ही अलग अलग वॉशिंग मशीन्स में भी रहते हैं, आप थोड़ा रिसर्च करके आप देखिए कि पहले प्राइसिंग कितना था एंड अब कितने में दे रहे हैं, एंड ज़्यादा अगर डिफरेंस नहीं है तो वो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये सेल होने के बाद और कम दाम में आपको डेफिनेटली मिलेगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि कुछ दिन तक वही प्राइसिंग रखते हैं ऐसे सोचने के लिए। जैसे कि आपने देखा बिग बिलियन डेज के बाद तो डायरेक्ट साहब MRP में बेच रहे हैं, पहले ही लिया तो बहुत अच्छा था यार,
ऐसे सोचना नहीं करके वो थोड़ी देर वहीं रखते हैं, तो थोड़े दिन के बाद आप देख सकते हैं उससे भी कम दाम में आपको ज़रूर मिलेगा। एंड नेक्स्ट वन है कि टीवी, इतने सारे ढेर सारे टीवी सभी चल रहे हैं फ्लिपकार्ट पर, ऑसम सुपर ऑफर्स है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ अवॉइड करना है टीवीज, जैसे कि एचडी रेडी वाला टीवी। तो एचडी रेडी वाला टीवी जितने दाम में भी अगर फ्री में भी आपको मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर नहीं खरीदनी करना है। नॉट जस्ट इन फ्लिपकार्ट, कोई भी अगर वेबसाइट पर मिल रहा है एचडी रेडी टीवी या फिर ऑफलाइन में जाकर ले रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए एचडी रेडी। हम 2018 में अभी है, यहाँ पर एचडी रेडी के बाद भी नहीं करना है आपको। अगर टीवी लेना है तो फुल एचडी स्टार्टिंग आप लेना है, विच इज़ 1920x1080p रेजोल्यूशन का। तो सबसे पहले आपको देखना है फुल एचडी रेजोल्यूशन का टीवी लेना है। जो भी एचडी रेडी रहते हैं वो बिल्कुल कैसे भी डील मिले आपको अवॉइड कर दीजिए, ये वाला आप ध्यान में रखिए। एंड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाया है टीवी कौन सा खरीदी करना चाहिए, टीवी बाइंग गाइड, वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ उस वीडियो का, उसमें सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कौन सा कैसा टीवी लेना है आपको। तो नेक्स्ट डील है ज़ेनफोन का मैक्स प्रो M1। अभी फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ये मोबाइल लिया हूँ, आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 जो है, फ्लिपकार्ट एंड आसूस दोनों कोलाबरेट करके जो मोबाइल रिलीज़ किया है, उस मोबाइल में अगर 3-4 वर्षन्स रहते हैं, जैसे कि 3GB, 64GB, 4GB, 128GB जैसे रहता है, ऐसे कोई भी मोबाइल का हो बिग बिलियन डेज पर, आपको लेना है हायर वर्जन का। यानी कि अभी फॉर एग्जाम्पल इस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में आपको लेना है 6GB, 64GB, विच इज़ अवेलेबल फॉर 13,000 रुपीज़, बिल्कुल 12,999 में आपको 6GB, 64GB का मिल रहा है, विच इज़ रियली ऑसम। वैसे वाला लीजिए, ना कि एक थोड़ा 1,000 रुपीज़ कम देकर इसमें ही 4GB, 32GB का लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल 1,000 रुपीज़ स्पेंड करके एक्स्ट्रा आपको लेना है 6GB एंड 64GB वाला वर्शन। वैसे आप थोड़ा कॉम्पेंसेट करके ले सकते हैं हायर मॉडल का, वो एक बेहतरीन डील मैं समझता हूँ। एंड अनदर डील, वीवो V9 यूथ चल रहा है अभी, एंड वीवो V9, तो वीवो V9 यूथ एंड वीवो V9 में सिर्फ 1,000-1,500 रुपीज़ का अंतर है, ज़्यादा नहीं, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है वीवो V9 यूथ, आपको लेना है वीवो V9 मोबाइल। एंड वैसे भी आपको अगर फ्लैगशिप ग्रेड का सोच रहे हैं लेने के लिए फ्रॉम गूगल पिक्सल, जो पिक्सल 2 XL है, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, पुराना मोबाइल हो चुका है, सिर्फ उसका कैमरा हार्डवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर लिखा है कैमरा के लिए वो एक ही बेटर है, बाकी सब बेकार है। तो डू नॉट बाई गूगल पिक्सल 2 XL ऑन बिग बिलियन डेज, ऑलराइट। तो ये एक छोटा वीडियो जस्ट ब्रीफ में देने के लिए, अगर कुछ क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आंसर करूंगा इन 4-5 डेज में। तो या और एक वीडियो बनाऊंगा कौन सा डील आपको देखना है, कौन सा बेहतरीन डील्स है, अगर वो देखेंगे तो आप उससे आप खरीदी कर सकते हैं। वैसे भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर भी इस वीडियो में लिंक देता हूँ, वहाँ से आप जाकर अच्छे डील्स वाला आप ले सकते हैं, विच इज़ वैल्यू फॉर मनी। ऑलराइट, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।